दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, अगर आप जॉब विदेश में देख रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अब ये मत बोलना कि पहले से बताया नहीं। ठीक है, मैं वीडियो का शुरुआत में बता दे रहा हूं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली जो भी जॉब सीकर कनाडा जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी ड्रीम होगा कनाडा में जॉब लेने का, अच्छा खासा सैलरी लेने का और कनाडा में जाकर सेटल हो जाने का, तो इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, आप जब वीडियो का एंड आएगा तो आपको समझ में आएगा मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अब बिल्कुल मत बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूं, वीडियो में आगे तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपका करियर के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, विदेश जाके काम करने के लिए, या फिर अगर आपका ड्रीम होगा फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करने के लिए, तो मेरा सारा वीडियो आप लोगों को बहुत काम आ सकता है। जी हाँ, और मेरा दो चार वीडियो देखे समझ में आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, कल की बात है, एक आंध्र प्रदेश का एक नौजवान, आप लोगों की ही तरह, जो विदेश में जाके अपना करियर सेट करना चाहता था, विदेश में जाके अपना जॉब लेना चाहता था और ऑनलाइन सर्च करने लगा, जैसे आप लोग भी करते होंगे। ठीक है, आप लोग कई यूट्यूबर का वीडियो देखते होंगे, ऑनलाइन अप्लाई करो जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह उसने भी बेचारा अपना ऑनलाइन जॉब सर्च किया। जॉब सर्च करते करते उन्हें दिखा कि कनाडा में कोई ओपनिंग्स है। ठीक है, और उस ओपनिंग में उन्हें क्लिक किया, क्लिक करके उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के कुछ दिन के बाद दोस्तों उनको रिप्लाई आया कि योर प्रोफाइल इज बीन शॉर्टलिस्टेड बाय दिस कंपनी और हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। और एज पर शेड्यूल इंटरव्यू उन्होंने अपना इंटरव्यूज दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका ईमेल पे ऑफर लेटर आ गया। दोस्तों, जब ऑफर लेटर आया उस बंदे को बहुत खुशी हुई। जाहिर सी बात है, किसी को भी खुशी होगी अगर आपको कनाडा जाना है, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर आता है तो कोई भी खुशी होगा। अगर मैं भी होता तो मैं भी खुश हो जाता। बंदा बहुत खुश हो गया। खुश होने के बाद दोबारा जब उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो शायद हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे उनको कॉल आया कनाडा से कि हमने आपका ऑफर लेटर भेज दिया है आपका ईमेल पे, प्लीज चेक इट, साइन इट एंड सेंड अस बैक, यानी कि साइन कर दो और हमें वापस आपका जो ऑफर लेटर है वो भेज दीजिए। इन्होंने वही किया। इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म था, विजा एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिलअप किया, प्रिंट आउट निकाला, फिलअप किया, फोटो चिपकाया, ठीक है, ऑफर लेटर को पूरा पढ़ा, साइन किया और भेज दिया। एग्रीमेंट लेटर भी एक था, उसको भी, तीन लेटर था टोटल, एक विजा एप्लीकेशन फॉर्म, एक ऑफर लेटर और एक एग्रीमेंट लेटर, तो तीनों को इन्होंने साइन करके भेज दिया। अब नेक्स्ट डे कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है कि भाई आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में आपको हम एक आदमी का नंबर देंगे, यानी कि एक एजेंट का नंबर देंगे जो आपको एम्बेसी तक लेके जाएगा और आपको एक रुपए भी पे करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको 60,000 पे करना होगा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का। रेडी होने के बाद ये जब जाता है दिल्ली, पहले तो पे करता है 60,000 रुपया। 60,000 पे करने के बाद दोस्तों अपना वो जो एजेंट वो कहता है कि भाई अब कल आ जाओ, कल आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है हो जाएगा। अभी बंदा जाता है होटल में, रुक जाता है होटल में। रुकने के बाद रात को मुझे कॉल आता है, जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, कहीं से कहीं मेरा नंबर मिला होगा, मुझे कॉल आता है, कहता है कि सर मेरे पास एक ऑफर लेटर है, क्या आप चेक कर देंगे? मैंने कहा ऑब्वियसली चेक कर देंगे, लेकिन मैं चार्ज करता हूं 1,000 रुपया। ठीक है, उन्होंने बिना क्वेश्चंस करे मुझे 1,000 रुपया भेज दिए और अपना ऑफर लेटर भेज दिया, सर डॉक्यूमेंट भेज दिया। फिर मैंने उनको कॉल किया और उनसे बात किया, तब पता चला कि उन्होंने सब ऑनलाइन अप्लाई किया है, दिस एंड दैट। ठीक है, तब मुझे पूरा कहानी समझ में आ गया। मैं उनको बोला भाई कि आपका 60,000 रुपया डूबे। ठीक है, तब उन्होंने बताया कि सर कल मुझे फिर से 1,00,000 देना है। जब मेरा इंटरव्यू था तब बोला था कि 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, मैंने 60,000 पे कर दिया है और कल फिर से 1,00,000 देना है। मैंने कहा मेरे भाई 60,000 तुम्हारा वापिस नहीं आने वाला है और जो 1,00,000 रुपया दोगे ना वो भी डूब जाएंगे, तो बेहतर यह है कि तुम वहां से खिसक लो। दिल्ली से जगह में अब तुम गए हो आंध्र प्रदेश, यार क्या हुआ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता ना। ठीक है, तब उस बंदे ने उसको कॉल किया,
ठीक है, कॉल करने के बाद पैसा जब उनका डिमांड किया तब उनसे धमकी आने लग गया। फिर समझो सवेरे कॉल किया, कहा कि सर आपने जो कहा था सही कहा था, ठीक है, और वो वहां से आंध्र प्रदेश रिटर्न हो गया मेरा दोस्त। आप ऐसे चंगुल में बिल्कुल ना फंसे, ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना जाए दोस्त। वो बेचारा भी ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस्ड बंदा है, फिर भी अपना 60,000 रुपया का चूना लगा लिया अपने आप। जब मैंने ये सारी बात जाना तो मैंने सोचा कि इसके वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोग ऐसे ना फंसे, आप लोग अपना पैसा बर्बाद ना करें। आप लोगों का रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूं, हालांकि उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें उनका फोटो सब कुछ है, ठीक है। मैं आपको ऑफर लेटर दिखा देता हूं, ऑफर लेटर कैसे दिख रहा है। जो बंदा है जिसने ऑफर लेटर भेजा है उसका फोटो भी आप देख लीजिए। इस तरह का ऑफर लेटर या इस तरह कॉन्ट्रैक्ट लेटर अगर आपको कोई भेज रहा है तो बी केयरफुल, ऐसे ईमेल्स को आप रिप्लाई ना करो मेरे दोस्त, नहीं तो आपके ये पैसा डूबेंगे ही डूबेंगे, समझ गए ना। आप लोगों का रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूं यार आप लोगों को ऑफर लेटर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ऑफर लेटर अटलांटिक सुपर स्टोर, ठीक है, ये है कंपनी का नाम और आप देख सकते हैं ये है अपना एग्रीमेंट लेटर फॉर सुपर स्टोर, अटलांटिक सुपर स्टोर एग्रीमेंट लेटर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों वीजा प्रोसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, एट विल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, सैलरी जो स्पेसिफिक आप लोग देखते हैं सबसे पहले वो है 7,500 कैनेडियन डॉलर, ठीक है, वो है मंथली सैलरी आपका। योर बेसिक सैलरी इज 7,500 कैनेडियन डॉलर पर मंथ आफ्टर ऑल डिडक्शन एज योर नेट सैलरी पेएबल बिफोर 28th ऑफ एवरी मंथ जनरली। योर सैलरी विल बी रिव्यूड आफ्टर 6 months एंड देयर आफ्टर एनुअली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इंक्रीमेंट इन प्रमोशंस, वर्किंग आवर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं रिन्यूएबल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एनुअल लीव एंड हॉलीडेज, यहाँ पर आपका दिया गया है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन आप देख सकते हैं Atlantic Superstore will provide accommodation to all foreign nationals at the company staff. Company will provide 3-bedroom apartment for married couples and 2-bed apartment for single employee are entitled to take meals free of charge at the general staff. Employees are customized cook and dietitians are available options. Recreations faculties shall also be made available at the disposal of all expatriates with no expenses to be incurred. Laundry and dry cleaning service will be made available to all employees by the company's laundry and cleaning units. यानी कि आपको रहना खाना laundry वंड्री सब कुछ free है company की तरफ से मेरा दोस्त, ठीक है। Interested है आप जाने के लिए, apply कर लो भाई है। Medical and health care, देखिए यहाँ पर employer will provide the employee with comprehensive health care for the time of contract and follow one care for injuries suffered during the time of contract of फॉर एम्प्लॉई एंड फैमिली। तो इस तरह का तमाम वादे इसमें दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, और ये है दोस्तों उनका डिटेल्स। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है आपका, कनाडा का नंबर यहाँ पर है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका वेबसाइट है और ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट लेटर आप कह सकते हैं। और ये है दोस्तों आप देख सकते हैं अटलांटिक सुपर स्टोर अपॉइंटमेंट लेटर है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम निकाल दिया है इस बंदे का जिनको आया था ये। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, डेट है 9 जुलाई का है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद नाम है और यहाँ पर पोजीशन दिया गया दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है। उस पेज में लिखा था सुपरवाइजर के लिए और इसमें लिखा गया है असिस्टेंट मैनेजर, ओके। सैलरी है 7,500 कैनेडियन डॉलर पर मंथ, वीकली अलाउंस है $250। जॉब लोकेशन है 3711 जोसेफ हावे ड्राइव हैलिफैक्स नोवा स्कूटिया B3L4H8 कनाडा। स्टार्ट डेट है 18 अगस्त, ठीक है, मतलब जल्दी है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटाफट सारे काम हो जाते हैं, एम्बेसी उनका घर का है ना, जल्दी हो जाता है। हियर इन यू हैव बीन फॉरवर्डेड एम्प्लॉइज प्रॉपर्टी, बहुत कुछ है इसमें। और ये वो बंदा है हायरिंग मैनेजर, आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अपॉइंटमेंट, वार्मेस्ट रिगार्ड्स मैनेजर जॉन लुकास, एड्रेस ये दिया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट है उनका सिग्नेचर। तो सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें और अपना पैसा को यार बचा के रखें। सो दोस्तों ये था पूरी कहानी, ठीक है, कनाडा जॉब लेने का। अगर आपका भी सपना होगा कनाडा जाने के लिए
ठीक है, तो मैंने कहा था वीडियो में आते तक बने रहे, ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस भी मिला होगा। आप लोगों को ये सब चीज बिल्कुल नहीं करना है, ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।